जिया जी का फोटो शूट है। हेलो, देखो मैं भी जा रहा हूँ, देखो क्यूटी का ही है फोटो शूट होगा। अभी रांची में निकल चुके हैं। कल एनिवर्सरी की फोटो शूट है। कल तक तो ये लड़का लगाएगा क्या अब? और ड्राइविंग जी आप खुद का भी तो मुंह दिखा दीजिए, आप कैसे दिखते हैं? एज ऊपर मैं तो स्मार्ट दिखता हूं। स्मार्ट नहीं दिखता हूं मैं, स्मार्ट। आज का ये ब्लॉग काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज का ये ब्लॉग मेरी सिस्टर और जीजा जी का फोटो शूट है। 10th मैरिज एनिवर्सरी का फोटो शूट करने जा रहे हैं। तो पीछे एक और गाड़ी से फोटो मी की टीम है जो कि फ़ोटो शूट करेगी। तो हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं रिमिक्स फॉल, जो कि रांची ज़िले के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद फिर दूसरा स्पॉट हम लोगों का है कांची रिवर, जो कि एक पास में एक गांव है। तो उस गांव में कांची रिवर वहीं से निकलती है, बहती है। तो वहां पे अगर स्पॉट देखेंगे, अगर अच्छा रहा, पानी साफ रहा, तो हम सब भी डुबकी लगा लेंगे। मेरी जीजा जी की खुशी साफ देखी जा रही है, इन्जॉय कर रहे हो सुबह सुबह का फ़ोटो शूट। पहले स्पॉट से हम लोग निकल चुके हैं, फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है एक स्पॉट पे। अब हम लोग सेकेंड स्पॉट पे जा रहे हैं, जो कि कांची रिवर है। अभी हम लोग फिलहाल फॉल के ऊपर वाले हिस्से पे थे, जहाँ से नीचे फॉल दिख रहा था। आपने वीडियो में देखा होगा, स्टार्टिंग में मैंने डाला है इंट्रो में। और अभी हम लोग जा रहे हैं फॉल के निचले वाले हिस्से में, जहाँ से कांची रिवर बह रही है। तो वो एक गाँव होकर जाना पड़ता है। तो इसी गाँव में हम लोग गाँव पहुँच चुके हैं, और इसी गाँव में हम लोग अभी अपने गाड़ी को पार्क करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे सेकंड स्पॉट के लिए। इन दोनों ने हल्दी गुल्दी बोल दिया है, ये लोग नहीं जाने वाले, तो मैं तो जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे आप सबके लिए सिनेमैटिक वीडियो। सेफ है, क्योंकि ये गांव के अंदर, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले भी, कि ये गांव के अंदर ही है। तो गांव के लोग बहुत काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। तो आप एकदम सेफ महसूस करते हैं तब तक जब तक आप कोई गलती ना करो। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पे आए तो आप इनको साफ़ सफाई मेंटेन रखें, ताकि गांव वाले लोग इसी नदी से पानी पीते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो। बाकी ये नज़ारा बहुत ही आपको मन लुभाने वाला नज़ारा है। अब हम लोग दूसरे स्पॉट पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब कुछ फ़ोटो शूट होगा। तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ इस जगह को, कहाँ कहाँ से मैं अपने थोड़े सिनेमैटिक वीडियोग्राफी को कर सकता हूँ। Thank you.
ये खूबसूरत सा नदी बहुत दूर से मुझे दिख रहा है और काफ़ी गर्मी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, फिर भी अभी गर्मी बढ़ चुका है, मुझे पसीना चल रहा है मुझे तभी से। और ये नदी दिख रहा है तो थोड़े इसके करीब जा रहा हूँ, देखता हूँ पानी वगैरह कैसा है। अगर पानी साफ रहा तो मैं पक्का कूदने वाला हूँ। जब तक ये वीडियो शूट चलेगा उधर, मैं इधर मस्ती करने वाला हूँ, देखता हूँ कैसा गहराई है क्या है। और ये सच में वाव, बहुत 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 ही खूबसूरत नदी है यार, मजा आएगा। अभी मैं अकेले डुबकी लगाने वाला नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बहन और अपनी भांजी को बुलाने के लिए गाड़ी से, उनको लेकर आते हैं, सब मिलकर डुबकी लगाएंगे। क्योंकि नदी बहुत खूबसूरत है, पानी बिल्कुल साफ है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की उसमें गहराई नहीं है, मेरे कमर तक आ रही थी, तो सब लोग सेफ है तो बिल्कुल नहा सकते हैं। फाइनली फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, दोपहर के बज चुके हैं 2 और भूख बहुत जोर की लग रही है, तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। आज का ये फोटो सेशन पूरा खत्म हो गया और ये ब्लॉग भी समाप्ति हम यही करने वाले हैं। अगर अच्छा आपको लगे ये ब्लॉग तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और लाइक कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सभी लोग सो चुके हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।